नमस्कार, न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक राम दुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 साल की कैद तथा 10 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में दर्ज इस मुकदमे में 8 सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर विवाद में मुस्लिम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर को दिए उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने संसद की सदस्यता से निष्कासन के फैसले को चुनौती देने वाली महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई अगले साल 3 जनवरी तक के लिए टाल दी है। इस याचिका में महुआ मोइत्रा ने अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 24 दिसंबर को होने वाली रैली फ्लॉप शो होने वाली थी, इसे देखते हुए जनता दल यूनाइटेड ने कार्यक्रम रद्द कर दिया। दूसरी तरफ जेडीयू का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रैली करने की इजाजत नहीं दी, हालांकि बीजेपी ने जेडीयू के इस आरोप को खारिज किया है। बौद्ध धर्म के शीर्ष धर्म गुरु दलाई लामा अपने 35 दिनों के प्रवास कार्यक्रम पर आज पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा गया पहुंचे। बोध गया में धर्म गुरु दलाई लामा के प्रवास के दौरान 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वे यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और प्रवचन भी देंगे। संसद सुरक्षा चूक मामले में फरार चल रहे आरोपी ललित झा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को आरोपी ललित को मेडिकल के लिए सफदरजंग अस्पताल लाया गया। इसके बाद उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वर्ष 2024 में देश के 25 और हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज यह जानकारी दी। फिलहाल यह सुविधा घरेलू यात्रियों के लिए 13 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। 25 और हवाई अड्डों पर इस सुविधा की शुरुआत होने से देश में डीजी यात्रा युक्त हवाई अड्डों की संख्या 38 हो जाएगी। कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मुख्तार को 5 साल 6 माह की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसराइल की हमास के खिलाफ जारी कार्रवाई में आम नागरिकों की मौतों को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि इसराइल आम नागरिकों को बचाने पर फोकस करे। मैं हमास के खिलाफ लड़ाई रोकने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमास पर हमले ज़्यादा सटीक तरीके से होने चाहिए। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के आगामी सीजन के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कप्तान नियुक्त किया है। हार्दिक टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की जगह कमान संभालेंगे। हार्दिक इससे पहले गुजरात टाइटंस की कप्तानी भी कर चुके हैं।